हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम कर चुके हैं मैक्सिमम मिनिमम और डिफरेंशिएशन। अब हम करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो वैसे तो इंटीग्रल कैलकुलस भी बहुत लंबा चैप्टर है, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस के खुद के दो पार्ट्स हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट, और फिर एरिया अंडर, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली। बट मैं फिजिक्स में अभी ज़्यादा करना नहीं चाहूँगा इंटीग्रल कैलकुलस को, बिकॉज एक्चुअली जो अभी काम आएगा नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर काफ़ी आगे तक, लॉज ऑफ मोशन में, काइनामेटिक्स में, इंटीग्रेशन इतना काम नहीं आएगा जितना डिफरेंशिएशन आएगा। इंटीग्रेशन आएगा भी तो बहुत ही बेसिक फॉर्मुलाज आएंगे, तो अपन ज़्यादा डीप में नहीं करेंगे चीज़ों को। मैं जितना काम कर उतना ही बताऊंगा, और फिर आगे अगर कोई मुश्किल आती है तो अपन देख लेंगे उसको, वहीं पर टैकल कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक याद रख लो, इंटीग्रेशन का बहुत सिंपल होता है इंटीग्रेशन, मतलब डेफिनेशन बहुत सिंपल है। डेफिनेशन है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। वैसे सिंपल नहीं है। वैसे सिंपल क्यों नहीं है? बिकॉज यार मेरी तो बहुत फटती थी जब मैं मैथमेटिक्स लेता था, जब मैं जेई खुद कर रहा था, तो मेरी तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से बहुत पढ़ती क्या थी यार, मतलब मजा नहीं आता था करने में, ना दिखता था ना कुछ होता था। डेफिनेट फिर भी होता था, बट इंडेफिनेट होता ही नहीं था। तो डेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनेट क्या होता है, वो भी समझा दूंगा आपको बाद में। तो एक टाइप का इंटीग्रेशन जिसमें बस आपको एक्स स्क्वायर आएगा माइनस कुछ भी गंदा गंदा बना देंगे फंक्शन, और उसके साथ आपको खेलना पड़ेगा, तो वो मुझे गंदा लगता ही था। बट फिजिक्स के अंदर जितना इंटीग्रेशन आएगा सिंपल ही आएगा। तो जैसे हम देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, लेट पी क्यू बी द कर्व रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटी एक्स और वाई। तो पी क्यू एक कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन लग रही है आपको, बट थोड़ा कर्व है, फिगर है। द पॉइंट पी कॉरेस्पॉन्ड टू एक्स इक्वल टू ए एंड क्यू कॉरेस्पॉन्ड टू एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी और क्यू, यहाँ पे पी और क्यू पे परपेंडिकुलर लगा दी हमने ऑन द एक्स एक्सिस टू, तो कट ए पे लिख रहा है, क्यू पे बी पे कट कर रहा है। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, वैसे हमको तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर हमको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो क्वेश्चन में मार्क्स नहीं आएंगे, और मार्क्स में इंटरेस्ट है सबको, है ना। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एरिया पी ए बी क्यू। तो पी ए बी क्यू का एरिया हमको निकालना है, पी ए बी क्यू का एरिया हमको निकालना है। तो हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, बेसिकली जो फिजिक्स में काम आएगा इंटीग्रेशन, वो इसलिए आएगा क्योंकि हमको एरिया निकालना होता है कुछ कर्व्स के अंदर। और एरिया हमको क्यों निकालना होता है, क्योंकि आता है कुछ जगह काम, जैसे जब तुम पढ़ते हो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बट उसमें एरिया नहीं निकाला हुआ। बट अगर हमको समझना है कि एरिया होता क्या है, तो उससे हम काफी सवाल को जवाब दे सकते हैं। ऐसे तो मैं ना, जब भी ग्राफ्स पढ़ोगे तुम दो चीजें पढ़ोगे, या तो स्लोप, स्लोप पढ़ोगे मतलब क्या करोगे डिफरेंशिएशन, या एरिया, एरिया पढ़ोगे मतलब क्या करोगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन निकालने, इंटीग्रेशन करना मतलब हमको एरिया निकालना है इसका। लेट अस नोट द वैल्यू ऑफ y एट x बाय द सिंबल y इज इक्वल टू fx। तो क्या बोल रहा है कि y तो फंक्शन ऑफ x होता ही है वैसे भी, है ना। तो y को इसने क्या बोल दिया, y इज इक्वल टू fx बोल दिया, फंक्शन ऑफ x बोल दिया, मींस y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर एक फंक्शन है x का, तो y को इसने f ऑफ x बोल दिया। तो ये ग्राफ देखेंगे अपन अच्छे से, है ना, फिर इसमें करेंगे अपन थोड़ा सा बात इसमें। तो ये क्या बोल रहा है, मैं समझा देता हूं पूरा की पूरा। ये ऐसे बोल रहा है कि एक x एक्सिस लो, एक y एक्सिस लो, एक कर्व है ऐसा, उस कर्व में यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट ले लो, और ये जो हाइट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसको इसने ए बोल दिया हुआ यहाँ के डिस्टेंस को, और यहाँ के डिस्टेंस को इसने बी बोल दिया, छोटा बी। और क्योंकि वाई को इसने एफ ऑफ एक्स बोला है, इसलिए ये हाइट क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, मतलब बेसिकली वाई एट ए बन जाएगी, मतलब एफ ऑफ ए बन जाएगी, और ये पॉइंट क्या बन जाएगा, इसकी हाइट बन जाएगी एफ ऑफ बी। अब ये क्या बोल रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो अगर एक, अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती तो एरिया निकाल लेते तुम आराम से, ट्रेपीजियम का एरिया बोल देते तुम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। अगर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन होती तो और आसान होता, रेक्टेंगल वगैरह निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे एरिया कर्व है एक्चुअली, तो कर्व का एरिया नहीं निकाल सकते, मतलब कर्व को अपन क्या बोल सकते हैं, काम करते हैं कर्व को अपन छोटे छोटे, है ना, रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं बहुत एक लाइन बनाता हूँ, जैसे यहाँ एक लाइन बनाता हूँ और इसके पास ही एक लाइन और बना देता हूँ, इतनी पास अगली लाइन कितनी पास है, ये लाइन उतनी पास है जितना तुम पास सोच सकते हो, वेरी 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 स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल। मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो डीएक्स बोलेंगे, इसको डीएक्स क्यों बोलेंगे, बिकॉज ये बहुत छोटा एक्स है ना, तो बहुत छोटा है, इसको भी डेल्टा एक्स के लिए डीएक्स बोल दिया अपन ने। डीएक्स का वैल्यू कितना होता है, डीएक्स वैल्यू उतना छोटा होता है तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। डीएक्स वैल्यू कितना होता है, उतना छोटा जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना छोटा जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर मैं इस स्ट्रिप की बात करूं, अच्छा यहां पे वैल्यू क्या होगी, यहां पे वैल्यू होगी एफ ऑफ x, x को बोल दो इसको, इस पॉइंट को बोल दो x को बोल दो, है ना। थोड़ा मैं इससे डेविएट हो गया, बट मैं इस पे भी आ जाऊंगा। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, स्ट्रिप का एरिया होगा, स्ट्रिप का एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही बन गया एक तरह से, ये इस छोटे से पार्ट को तो भूल जाओ क्योंकि ये तो ज्यादा ही नहीं, रेक्टेंगल ही बन गया। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, dx, इसका लेंथ कितना है dx, into height कितनी fx not। तो स्ट्रिप का एरिया कितना बन गया, स्ट्रिप एरिया इज इक्वल टू fx not into dx, क्या बन गया fx not into dx। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप होगी, यहाँ पे एक स्ट्रिप होगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कितनी स्ट्रिप होगी, बहुत सारी स्ट्रिप्स होगी, बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, बहुत सारी स्ट्रिप्स, और हर एक का एरिया कितना आ रहा होगा, fx not into dx, इक्वल ही होगा हर एक का एरिया।
हर एक का एरिया क्या होगा, एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। वो अच्छा कूलर चला रहा था इसलिए आवाज में दिक्कत आ रही होगी, तो इसको अपन डीए बोल देंगे। मैं एक बार कूलर बंद करके आ जाता हूँ, इसको अपन डीए बोल देंगे, ठीक है ना, इसको डीए बोल देंगे। फिर अपन क्या कर देंगे, टोटल एरिया निकालने के लिए टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया जो ए होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीए, मतलब समेशन ऑफ डीए, समेशन का मतलब सारे डीए का एडिशन, मतलब कि समेशन ऑफ एफ एक्स नॉट इंटू डीएक्स, इसी को अपन लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स, ठीक है। तो ये चीज एक बार देख लो, मैं एक बार कूलर को बंद करके आ जाता हूँ, क्योंकि कूलर चला रखा है ना मैंने, तो आवाज में दिक्कत आ रही होगी। एक मिनट रुक जाओ, तब तक तुम इसको देखो पूरे पूरे इसको, और देखो फिर है ना, फिर मैं एससी वर्मा ने क्या बोला हुआ है वो भी बता देता हूँ। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि इस पूरे कर्व का एरिया निकालना है, बट कर्व का एरिया तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता नहीं, मुझे ट्रेपेजियम का पता है, रेक्टेंगल का पता है, इन सब का पता होता है एरिया। तो कर्व का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कर्व को मैं डिवाइड कर दूंगा बहुत सारे रेक्टेंगल्स के अंदर, कितने रेक्टेंगल बने, बहुत सारे, बहुत ही सारे, और बहुत सारे रेक्टेंगल्स कर दूंगा, हर एक रेक्टेंगल का स्ट्रिप का एरिया निकाल दूंगा। स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, विड्थ इनटू हाइट, विड्थ कितनी है इसकी डीएक्स, तो डीएक्स, हाइट कितनी है इसकी एफएक्स नॉट, एफएक्स नॉट, तो एफएक्स नॉट इनटू डीएक्स, ये एरिया डीए बोलूंगा, डीए मतलब ये एरिया छोटा है तो डीए बोल दिया इसको मैंने, तो डीए ये है। अब टोटल एरिया कितना होगा, समेशन ऑफ डीए, इन सारे एरियाज को अगर मैंने ऐड कर दिया तो समेशन होगा डीए, और समेशन को अपन क्या लिख देंगे, उसको समेशन ऑफ एफएक्स नॉट इनटू डीएक्स लिख देंगे, बिकॉज़ डीए का वैल्यू कितना, एफएक्स नॉट इनटू डीएक्स, और समेशन को अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन, समेशन को अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन। समझ, समेशन का सिंबल, ये जो सिंबल है ये वाला, ये एसयूएम से आया है, सम, सम मतलब ये, मतलब कि ये जो अपन करते हैं सम, कैसे भी कर दो सम का सिंबल, कुछ भी बना दो, ऐसे बना के भी इंटीग्रेट कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे बना के भी इंटीग्रेट कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरा फंडा है, तो यही अपन एक बार एससीवी में पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ एग्जैक्टली, है ना। चलो, तो एससीवी में ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारी स्ट्रिप्स बना दी, चार स्ट्रिप दिखाई है, बाद में बोल देंगे और स्ट्रिप दिखा देते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ए बी को है ना एन इक्वल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो जो डेल्टा एक्स आएगा वो कितना जाएगा, बी माइनस ए अपॉन एन, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस कितना है इसके बीच में पूरा, बी माइनस ए, एन स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, बी माइनस ए इंटू एन। फिर है ना ऐसे वाई में पैरेलल लाइन बना दो, फिर वही बोलेंगे कि लाइन को कट करेंगे, इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो एक रेक्टेंगुलर बार बन जाएगा, इन सबके एरियाज निकालेंगे, तो एफ ए इंटू डेल्टा एक्स, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, समझ रहे हो क्या बन रहा है, ये मतलब फंक्शन बन रहा है ना, फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है ना, वही बन रहा है। इसको अपन क्या लिख देंगे, वही मैंने जो बोला समेशन ऑफ सारे एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख देंगे अपन, है ना, फंक्शन मतलब वाई इंटू डेल्टा एक्स मतलब सारे एरियाज का सम, और ये सारा है लिखा हुआ, ठीक है ना। अब ये एरिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये भी समझाना चाह रहे हैं एरिया डिफरेंट क्यों होगा, मैं समझाता हूँ एरिया डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि अपन ने ये सारे पोर्शन छोड़ दिए, इसमें क्यों छूट गए, इसमें इसलिए छूट दिए क्योंकि चार ही रेक्टेंगल बनाए इन्होंने, अगर ये बहुत सारे रेक्टेंगल बनाते ना तो इसको अगर दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर दो तो एरिया छूटेगा नहीं, फाइनली तुम इतने ज्यादा रेक्टेंगल बना दो कि एरिया के छूटने की गुंजाइश ही नहीं रहे, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, एरिया डिफर्स स्लाइटली फ्रॉम द एरिया पी ए बी क्यू, दिस डिफरेंस इज द सम ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स फॉर्म जस्ट अंडर द कर्व, जो कर्व है उसके अंदर जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं उसका सम। मैं क्या बोल, मतलब क्या बोल रहे हैं ये, कि जैसे तुमने इसको चार ही रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया, एक इतना बना दो, फिर एक इतना बना दो, फिर एक इतना बना दो, और फिर एक इतना बना दो, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये रेक्टेंगल्स थे, तो ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया छूट गया, बट मुझे बताओ कि रेक्टेंगल का जब नंबर इंक्रीज कर दूंगा, जैसे डबल ही कर दिया, जैसे मान लो और रेक्टेंगल्स बना दिए, है ना, तो ये चीज भी इंक्लूड हो गई, ये चीज भी इंक्लूड हो गई, ये भी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाओगे तो ये भी इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया, यहाँ बनाओगे तो ये भी इंक्लूड हो गया, यहाँ बनाओगे तो ये भी इंक्लूड हो गया, है ना, कम हो गया ऑलरेडी एरिया, देखो है ना कम हो गया ऑलरेडी एरिया, ये सारा एरिया इंक्लूड हो गया, ठीक है ना, और डिवाइड कर दो, जैसे मान लो यहाँ पे इतना गैप, यहाँ पे मान लो ये गैप और बच गया, तो इसको और डिवाइड कर दो और ये रेक्टेंगल और बना दो, ये वाला रेक्टेंगल, और इसको और डिवाइड कर दो और ये रेक्टेंगल और बना दो, तो देखो ये एरिया भी इंक्लूड हो गया, ये एरिया भी इंक्लूड, और कम गैप बन गया, तो बेसिकली गैप कम होता जाएगा, कैसे कैसे गैप कम होता जाएगा, जब एरिया के जो, तो ये बोल रहा है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फॉलोइंग, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरवल्स, n को अगर बढ़ा दिया, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ा दिया, द वर्टाइसेस ऑफ द बार्स टच द कर्व PQ एट मोर पॉइंट्स, जो ये बार, ये जो रेक्टेंगल्स है ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे टच कर रहा है, टोटल एरिया ऑफ द स्मॉल ट्रायंगल डिक्रीजेस एज n टेंड्स टू इनफिनिटी, अगर n का वैल्यू इनफिनिटी पे जा रहा है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 dx बन जाएगा, डेल्टा x बहुत छोटा बन जाएगा, है ना, जो समझा चुका मैं तुमको,
बिकॉज डेल्टा एक्स इक्वल टू बी माइनस एफ वन, द वर्टाइसेस ऑफ द बार टच द कर्व एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे टच करेगा, टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल टेंड्स टू जीरो। तो उतनी से बकवास तुम छोड़ दो, उतनी से बकवास जो है, मतलब बकवास नहीं बोलना चाहिए, मतलब उतनी सारी जो चीजें हैं वो छोड़ सकते हो बिकॉज तुम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे। तुम बस इतना याद रख लो कि एरिया अंडर द ग्राफ को अपन क्या बोल देते हैं, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ए से लेके बी। ए से लेके बी बस ये बता रहा है कि स्टार्ट अपन ने ए से किया था और बी तक अपन जा रहे हैं। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, नीचे वाली लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लिमिट का मतलब मैंने लिमिट कर दी कि इससे लेके मैं यहाँ तक ही जाऊँगा, है ना, इसके आगे पीछे नहीं घूमूंगा, लिमिट कर दिया मैंने। जैसे तुम पढ़ाई का टाइम लिमिट कर देते हो कि 4 बजे से लेकर 5 बजे, खेलने का टाइम लिमिट कर देते हो कि शाम को 4 से 5 ही खेलूंगा या खेलूंगी, या 5 से 6 ही खेलूंगा या खेलूंगी, पता नहीं खेलते भी हो या नहीं, अभी खेला करो थोड़ा सा, है ना, काम थोड़ा सा मजे भी किया करो, दिन भर पढ़ते मत रहा करो, 1 घंटा निकाल लिया करो कुछ भी करने के लिए, मस्ती मारने के लिए, गिटार बजाने के लिए, टीवी देखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, बट उसको फिक्स कर दो, उसको लिमिट पर कर दो। ऐसा मत करो कि वो दिन भर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही फंडा, जैसे मैंने अभी नेटवर्क अपना बंद कर रखा है, ठीक है ना, और तभी मैंने अब एस सी में बनाना चालू कर रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था बनाऊँ बनाऊँ, लेकिन वही नेट पे व्हाट्सएप फेसबुक सब चलता रहता था, और उसमें पता नहीं पड़ता यार, जब मैं नौकरी कर रहा था तब मैं घर पे आके करता था, घंटा 2 घंटा मैं इधर उधर न्यूज़ यूट्यूब देख लिया करता था जो भी था। अब तो मैं नौकरी नहीं करता, तो मैं ये मान लूँ कि सुबह फ़ोन उठते ही सबसे पहले फ़ोन को देखना है, बंद करना है, फिर 10 मिनट बाद देखना है, मतलब ऐसा हो जाता था कि 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के निकाल दो, बाकी जो 16 घंटे बचे उसमें से मेरे पास 7-8 घंटे 50% टाइम नेट पे जाना है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, टेबल बैठते नेट चालू कर दिया, फिर उसमें व्हाट्सएप देख रहे हैं, और फिर वही है ना, ज़्यादा लोगों से बात करोगे तो ज़्यादा वहाँ से भी रिप्लाई आएंगे, तो ज़्यादा रिप्लाई आएंगे तो फिर वापस तो चलता ही रहता है। फिर किसी को मेम भेज रहे हैं, किसी को फेसबुक पर मेम देख रहे हैं, मेम देख रहे हैं, फिर वहाँ से कुछ न्यूज़ पता पड़ी, न्यूज़ में चले गए, फिर वो जैसे आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, बट मुझे 1% ही परवाह, मतलब परवाह तो है ठीक है, बट द पॉइंट इज कि अगर मैं नेट चालू रखता तो मैं बस देखता ही रहता अब कितना हुआ, अब कितना हुआ, अब कितना हुआ, तो वो नहीं देखना। अभी वर्ल्ड कप भी आने वाला है तो वो सब नहीं देखूंगा मैं, मतलब शायद देख भी लूँ, हो सकता है मेरा कल मूड चेंज हो जाए, बट द पॉइंट इज कि मेरा, मैं मूड के हिसाब से काम करता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट्स में लिखते रहा करो कि लेक्चर कैसे लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। वैसे मैं ज़्यादा इंप्रूव कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करूंगा, तो शायद मैं पढ़ाने में दिक्कत होगी। अभी तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मतलब बिल्कुल बस आ गया, चालू कर दिया, बस ज़्यादा कुछ देखता भी नहीं, मैं पढ़ता भी नहीं, मैंने पढ़ी भी नहीं कभी एस सी वर्मा, है ना, और एक्चुअली मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरा एक बार पढ़ना हो जाएगा एस सी वर्मा। बट एक्चुअली इतना साल पढ़ा दिया कि डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल से, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के मटीरियल से, कि सारा मतलब मोस्टली आता ही है, बच्चों ने भी एस सी वर्मा के सवाल इतनी बार पूछ लिए, इतने सारे, मतलब मैंने कभी सवाल नहीं की खुद से, मैंने आई टी के टाइम पर भी नहीं की थी। अब तुम बोलोगे सर आपने आई टी के टाइम पर नहीं की थी तो क्या एस सी वर्मा करना जरूरी है कि नहीं है? यार एक्चुअली मैं ना उस वक्त को पता ही नहीं था कुछ भी, और इसलिए मेरा ना फर्स्ट अटैम्प में हुआ ही नहीं था। अगर एस सी वर्मा करता तो शायद फर्स्ट अटैम्प में हो भी जाता मेरा, लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा करा, मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी एक्चुअली, तेरी मेरा रैंक भी खराब आई थी थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ढंग से पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा अच्छे से, एस सी वर्मा कर लोगे तो काफ़ी अच्छा हो ही जाएगा, मतलब क्योंकि बाकी लेक्चर हम करते तो हमको पता नहीं पड़ता, फिजिक्स इतनी डीप है ना कि हो सकता है मैं एक लेक्चर आसान लेवल पे 3 घंटे तक पढ़ाता रहूँ, और ऐसा भी हो सकता है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाता हूँ, हर कोई फैकल्टी पढ़ाता है मेरे हिसाब से, मेडिकल वालों को पढ़ाता हूँ तो डिफरेंट पढ़ाता हूँ, एडवांस वालों के अंदर टॉप बैचेस को पढ़ाता हूँ डिफरेंट पढ़ाता हूँ, लोअर बैचेस को पढ़ाता हूँ डिफरेंट पढ़ाता हूँ। तो 3 घंटे में ही आपको कौन से क्वेश्चंस लेने हैं, कौन सा क्या करना है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैंने एससी वर्मा पकड़ ली, जिससे क्या होगा कि नहीं तो मैं भाग रहा हूँ मैं बहके, जैसे मैं क्वेश्चंस करवाने बैठता हूँ कभी तो मैं पता नहीं इंटीग्रेशन खाते पढ़ा दूँ, 10 घंटे तक इंटीग्रेशन चलता रहेगा, काइनेमेटिक्स पता नहीं क्या चलता रहेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एससी वर्मा को ले रहा हूँ। फिर भी मैं देख रहा हूँ, तुम पिछले लेक्चर में देखा होगा कि तुमने क्या हो रहा है मेरे साथ कि एससी वर्मा के आगे आगे एक्स्ट्रा जाके भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कुछ कुछ, बट मैं सोचता हूँ कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी होते हैं कुछ, ठीक है जो भी है देख लो। तो जो भी है ना कमेंट्स में लिख दो कि अगर ज़्यादा और क्वेश्चंस चाहिए तो वो लिख दो, कम क्वेश्चंस चाहिए तो वो लिख दो। मुझे वैसे लगता है कि कुछ बच्चे लिखेंगे कम चाहिए, कुछ बच्चे लिखेंगे ज़्यादा चाहिए, कुछ बच्चे लिखेंगे सर फास्ट बोलते हो आप काफ़ी, तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर ठीक है क्योंकि हमको वैसे भी फास्ट करके देखना पड़ता है। तो वो तो इतना 10 साल हो गए पढ़ाते हुए तो मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ चेंज करना पड़ेगा, देखते रहो तुम आराम से। लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटीग्रेशन हो गया, तो इसका एरिया निकालने के हम काम करते हैं। अब y इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन ले ली इन्होंने y इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू और x इक्वल टू b के बीच में इसका एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का। तो वही सब ये कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं वो, इसको भी इन्होंने प्रूफ कर दिया कि सम को ऐसे लिखेंगे। मैं ज़्यादा प्रूफ में नहीं जाऊँगा, मैं ज़्यादा, मैंने बताया था कि ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा बिकॉज फालतू में टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे, उससे अच्छा अपन उसके एप्लीकेशन में ध्यान देंगे कहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो। तो वही प्रोसेस इन्होंने एक लाइन के लिए कर दिया है ना, उतना सब अपन को नहीं करना, तो ये पूरा प्रोसेस बन के आया। तो ये प्रूफ कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वही आया जो आ रहा था अपना। तो एक्स डी एक्स इन्होंने प्रूफ करा, फिर एफ एक्स डी एक्स को इन्होंने लिमिट, ये सब प्रूफ करा। ये सब देखो, ये सब फालतू में नहीं करना अपन को ज़्यादा, क्योंकि अपन को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, अपन एक्चुअली फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं अपन। तो मैं बताता हूँ पूरी चीज़ क्या है जो ये बोल रहे हैं। पूरी चीज़ ये है कि ये इंटीग्रेशन, तो एक छोटा फंक्शन लेके उसको इंटीग्रेट कर दो डी एक्स,
उसको अपन एफ एक्स बोलते हैं, कैपिटल एफ एक्स बोल देते हैं, ऐसा बस डोनेशन है लिखने का, कुछ और वो नहीं है। तो एक्चुअली ये देखो, अब मैं एक्चुअली एफ एक्स नहीं बोल रहा बिकॉज कंफ्यूज हो गया, इसको जी एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जी एक्स आ रहा है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मैं बोल रहा था इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ, कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एफ एक्स बन जाएगा। मतलब सिंपल सा फंडा ये है, देखो समझो कि जैसे अपन ने करा था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। अब लिमिट्स कैसे काम करती है, लिमिट्स ऐसे काम करती है कि अगर यहाँ पे मान लो 1 से लेके 2 होता तो यहाँ पे भी अपन 1 से लेके 2 लिमिट लगाते और फिर इसको अपन 2 डालते एक बार, मतलब ये क्या बनता है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, समझ में आई है बात। तो ये अलग, ये अलग चीज है। अभी के लिए इतना याद रख लो कि अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है तो 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। लिमिट्स लगाना और सिखा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब लिमिट्स कैसे लगाई जाती है, कि पहला फॉर्मूला तो ये है कि एफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि ए से बी एफ एक्स डीएक्स क्या होगा, तो ये बनता है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसे रटना क्या है, मतलब ये ठीक है लॉजिक से कैसे नोटेशन है ये, तो कि वेलोसिटी को वी बोलते हैं, फोर्स को एफ बोलते हैं, तो सबके समेशन के एरिया को ये बोलते हैं और ये बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ये सब नोटेशन है, ठीक है ना। तो एस सी वर्मा ने ये प्रूफ भी करा हुआ है, एस सी वर्मा बुक में जो मैंने छोड़ दिया वो प्रूफ भी करा हुआ है कि अगर ये जो मतलब दिस अप्लाइज टू डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं बस इस प्रूफ को स्किप कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है ज्यादा तुम्हारे लिए, प्रूफ क्यों करोगे फालतू में बैठ के, तुमको तो क्वेश्चंस करने हैं। बट इतना देख लो कि पहली चीज तो इसको अगर जी एक्स बोला तो इसका मतलब ये होता है, इस ये को क्या बोल रहा हूँ मैं, डेफिनेशन कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। और इस चीज से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि लिमिट से तो उसको कैसे यूज करेंगे, कि एक बार तुम्हारा आंसर आ गया तो उसकी लिमिट डालो, बी डालो एक बार, जी में बी डालो एक बार, जी में ए डालो एक बार, दोनों को माइनस कर दो, पहले ऊपर वाली चीज लिखोगे बाद में नीचे वाली चीज लिखोगे, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो दोनों चीजों को मैंने कैसे बोला, मैं वापस से डिफाइन कर देता हूँ, कि जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स 2x होता है, पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहता हूँ। और दूसरी चीज में क्या बोलना चाहता हूँ, कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx का वैल्यू 3 से लेके 4 तक क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर आएगा आंसर, और 3 से लेके 4 लिख दोगे, नीचे 3 लिख दोगे ऊपर 4 लिख दो, इस प्रकार करोगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बोलने का पूरा की पूरा तरीका है। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, तो जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसे जो भी फॉर्मूला थे सारे के सारे वो उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने पढ़ा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, देखो। फिर अपन ने पढ़ा था कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, इसका मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस रहेगा, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो ये साइन एक्स है, ये फंक्शन है, ये वाई है और ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो साइन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, कॉस एक्स होता था, और कॉस एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स। इसलिए जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, मतलब वापस से मैं इसको इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाली चीज, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा, है ना, वापस से इधर आ जाएगा, और साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। लेकिन माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स आ रहा है, मतलब साइन एक्स का क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा ना, माइनस चला जाएगा उधर, ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स का। तो ये सारे फॉर्मले वही है, ये फॉर्मले तुम याद रखो तो रख सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। इसको और मैं समझा देता हूँ, एक्स की पावर एन कैसे आ रहा है, बाकी तो अच्छा एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स होता ही था, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो जाएगा इंटीग्रेशन, और एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स होता था, तो वन अपॉन एक्स का एल एन एक्स हो जाएगा। एक्स की पावर एन का और कर लेते हैं अपन, देखो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन ये आता है मेरे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा एन टाइम्स एक्स की पावर एन माइनस वन को, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स की पावर एन आ जाएगा। ये तो हो गया अपना ये फंडा, बट एक्चुअली फंक्शन मेरे को ऐसा दे रखा होगा 5x की पावर 4, मेरे को तो सिंपल एक्स की पावर 4 दे रखा होगा ना फंक्शन, तो इसलिए इसको मैं ना कन्वर्ट करता हूँ किसी चीज में। जैसे मैं डिफरेंशिएट करके देखता हूँ इस चीज को, जैसे मैं डिफरेंशिएट करके देखता हूँ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन को अपॉन डी एक्स, देखो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन तो कॉमन ले लो बिकॉज ये तो जो है वो क्या है, एक कॉन्स्टेंट नंबर है, इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन का डिफरेंशन क्या हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो एक्स की पावर एन बन गया।
तो इस चीज को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो एक्स की पावर एन बनता है, इसलिए एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएक्स के साथ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बट इसमें एक और दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या है कि नीचे है ना एन प्लस वन आ रहा है और नीचे वाली चीज कभी भी जीरो नहीं हो सकती बिकॉज वो नॉन डिफाइंड होता है वन अपॉन जीरो। तो इसलिए यहाँ पे एन इक्वल टू माइनस वन कर दिया कि मतलब माइनस वन के लिए अलग से फॉर्मूला लिखेंगे अपन, मतलब एक्स की पावर माइनस वन के लिए अलग से फॉर्मूला है, एक्स की पावर माइनस वन को अपन ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, एक्स की पावर माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस वन, नहीं गलत है। एक्स की पावर माइनस वन का मतलब क्या है, वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसको अपन सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन एक्स। अब इंटीग्रेशन के जो मैं लेक्चर लेता हूँ, लगभग 4-5 घंटे के लेक्चर लेता हूँ इंटीग्रेशन के, मैं उसमें मैं बच्चों को बहुत सारे इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल्स करवाता हूँ। फिर तो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, एक रूल पढ़ोगे आईलेट रूल पढ़ोगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारे रूल्स पढ़ोगे, ये रूल्स दे रखे हैं जो 3-4। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कि साइन ऑफ 5x, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, साइन ऑफ 5x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। नहीं, इसमें कुछ भी तुम ऐसे यूज नहीं कर सकते कि डायरेक्टली कर दिया, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वापस से जैसे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के अंदर थे वैसे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के अंदर लगेंगे। बट द पॉइंट इज कि अपन क्या करेंगे ना, अपन है ना एक काम करेंगे कि आगे जब भी आएगा ना इंटीग्रेशन तब अपन कर लेंगे ये कैसे करना है ना, वो वही समझा दूंगा मैं। अभी के लिए सिंपल से रूल्स याद कर लो कि किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल, कॉन्स्टेंट बहुत ईजी होता है करना, कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाता है। ये रूल मैं समझा देता हूँ क्या है ये। अच्छा, ये एडिशन वाला रूल भी याद कर लो। देखो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल इसमें लगाया ही नहीं है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के इंटीग्रेशन में बहुत ही लंबा थोड़ा फॉर्मला होता है। एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन में इसका फॉर्मला होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ऐसा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है ना। तो वो अपन नहीं करेंगे इतना कॉम्प्लेक्स क्योंकि अपने काम भी नहीं आएगा, जब काम आएगा तो कर लेंगे। वैसे पूरी फिजिक्स मेरे को तो याद नहीं कभी काम आया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन, ज्यादा से ज्यादा ये काम आ गया है। तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, बी वाला फॉर्मूला क्या बोल रहा है, बी वाला फॉर्मूला बोल रहा है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स, अपने पास क्या आता है माइनस कॉस एक्स आता है ना, बिकॉज कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास साइन ऑफ 5x dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 1/5 cos x, ये फॉर्मूला है वो, ठीक है। कि अगर अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, मतलब फंक्शन फंक्शन क्या है, साइन साइन ऑफ 5x विल बी इक्वल टू 1/5 cos of 5x माइनस के साथ। अब इसका भी प्रूफ है, cos of 5x बनेगा, सॉरी cos of 5x इसका भी प्रूफ है एक्चुअली में। तो इसका कुछ प्रूफ अपन देख लेंगे आगे, इसको भी याद मत करो फॉर्मूले को, प्लस वाले तुम याद कर सकते हो, इसको याद मत करो फॉर्मूले को, ये अपन देख लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना है 2x² + 3x + 5 को, तो पहले क्या करा करो, पहले हमेशा इंटीग्रेट कर लिया करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 3x + 5, 2x², मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में बहुत कम पढ़ा रहा हूँ बट ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आएगा तो अपन देख लेंगे उसको, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके देख लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन को करना है 3 से लेकर 6 तक, तो पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 3 से लेकर 6, 2 ऐसे ऐसे कैसे रहेगा, एक्स की पावर एन का क्या बनता है, एक्स की पावर एन प्लस वन, तो एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 3 * एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 5 * एक्स की पावर 0 है ये, तो एक्स की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। और ये कहाँ तक, कहाँ से, तो बन गया 3 से लेकर 6 तक जाने वाला। अब 2/3x³ + 3x² / 2 + 5, एक बार इसमें 6 डालना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2/3 6³ + 3/2 6² + 5x, x आएगा 0 + 1, 5 * 6, ये 6 डाल दिया, माइनस एक बार 3 डालना पड़ेगा, तो आएगा 2/3 3³ + 3/2 3²। देखो मैथ्स कितनी बोरिंग होती है, मैथ्स मेरे को बहुत बोरिंग लगती है। 5 * 3 इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा सा बनेगा, है ना। अलग अलग करके भी कर सकते हो, हाँ ठीक है वो एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग करके भी कर सकते हो, एक ही बात है। फॉर्मूले तुम याद ही कर लोगे इंटीग्रेशन के, है ना, फॉर्मूले देखना बुक, ऐसे करो कि बुक खोल के बैठा रहा करो, फॉर्मूले देखते रहा करो, ये अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन तो बस इतना ही था इंटीग्रेशन में। मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ प्रॉब्लम्स के, जिससे तुमको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, नहीं तो तुम बोलोगे सर छुड़वा दिया, छुड़वा नहीं रहा मैं एक्चुअली, जितनी जरूरत है उतनी बात कर देंगे ना अपन, फालतू में एक्स्ट्रा बात क्यों करेंगे। तो जितनी जरूरत है उतनी बात करने के लिए अपन उतना ही काम करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ फिर भी कभी कभी कि डिफरेंट डिफरेंट केस में अपन क्या क्या करेंगे। तो एक अपन चीज पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बेसिकली ये भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, वहां पे कुछ फॉर्मूले थे जिनको देख के तुमको डर लग रहा होगा,
जैसे ये फॉर्मूले जो टेन के आ गए, साइन के आ गए नए फॉर्मूले, ये देख के तुमको डर लग रहा होगा। तो ये जो फॉर्मूले डर लगने वाले, इनको सॉल्व करने के लिए मैं है ना ये पढ़ाता हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, ठीक है, वो पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो जैसे क्या है कि ये दो नए फॉर्मूले आए हैं ना, और एक चीज तुमने एक और पढ़ी थी ये चीज, ये कि एफ सी एक्स डी एक्स, इसको कैसे याद रखना है। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट है तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया था कॉस ऑफ 5x ले लो, क्योंकि साइन ऑफ 5x का डिफरेंशिएशन है, कॉस ऑफ 5x डीएक्स, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट्स अपन डाल ही देंगे। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, 1/5 ऑफ साइन ऑफ 5x इनटू प्लस सी वैसे जो, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ से आता है वो समझा देता हूँ मैं, कि अगर मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डीएक्स करना होता तो मेरे पास आंसर क्या होता, साइन ऑफ एक्स है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो कॉस ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन विद डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन विद डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग। बट इस क्वेश्चन में क्या, ये समथिंग और ये समथिंग अलग अलग है। अच्छा, ये फॉर्मूला भी वैलिड है, कॉस ऑफ 5x इनटू डी ऑफ 5x दिस विल इक्वल टू साइन ऑफ 5x, ऊपर नीचे कुछ नहीं आएगा, ये समथिंग 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 है ना। कॉस ऑफ समथिंग इनटू डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग इनटू डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग। व्हाई, बिकॉज़ कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो कॉस ऑफ समथिंग इनटू डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग। लेकिन मुझसे क्या पूछे, कॉस ऑफ समथिंग इनटू डी ऑफ सम अदर थिंग। तो जो मैंने वहां किया था ना, क्या किया था वहां पे, कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो कॉस ऑफ 5x है ये इनटू dx है, इसको ऐसे रहने दो, साथ में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, साथ में कर दो डी ऑफ 5x अपॉन डी ऑफ 5x। अब इस चीज को अलग से ले लो, ये क्या है, कॉस ऑफ समथिंग इनटू डी ऑफ समथिंग है ना, और डी ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ 5x साथ में ही। तो कॉस ऑफ समथिंग अपॉन इनटू डी ऑफ समथिंग तो क्या हो गया, साइन ऑफ समथिंग हो गया, साइन ऑफ 5x हो गया। और देखो डी ऑफ 5x अपॉन डी एक्स क्या बनता है, 5 बनता है, तो डी ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ 5x क्या बन जाएगा, 1/5 बन जाएगा, उल्टा होता है। मतलब अगर डीएक्स बाई डी टी तुम्हारे पास 5 है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा तुम्हारे पास 1/5, ये वैलिड होता है मतलब, ठीक है ना, ये उल्टा होता है। तो ये 1/5 साइन, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसी को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं कुछ लोग। कुछ लोग इसको कैसे करते हैं, दूसरा तरीका क्या होता है इसको करने का, इसको करने का दूसरा तरीका बोलते हैं कुछ लोग, कि ऐसे बोल दो कि इसको टी मान लो, मतलब जैसे अपन ने करना था कॉस ऑफ 5x dx है ना, तो इस चीज को टी मान लो, तो ये बन गया। और टी मानते ही सबसे पहले ये लिखो कि 5x इक्वल टू टी, ये माना था, और इसको डिफरेंशिएट कर, दिस अप्लाइज टू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5, दिस अप्लाइज टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 5, ठीक है ना। तो पहला क्या करो, इसको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फिर मैं और पढ़ाता हूँ क्लास में, बाप बेटा फंक्शन, चाचा फंक्शन, ऐसे फंक्शन पढ़ाता हूँ मैं, तो एक बाप बेटा फंक्शन भी ले लेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो कॉस ऑफ 5x dx है, तो क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी मैं नहीं कर पा रहा था, तो जो भी अजीब सी चीज दिखे उसको टी बोल दो। तो टी बोलने पे क्या हो गया, और टी बोलते ही पूरा लिख लो एक अलग से, कि 5x इक्वल टू टी, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 5, तो डीएक्स कितना हो जाएगा, डी टी बाई 5। अब ये क्या बन गया, देखो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ टी इंटू डीएक्स, को क्या लिख दिया, डी टी बाई 5। तो देखो ये 5 बाहर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, 1/5 कॉन्स्टेंट तो बाहर आ ही जाएंगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। अब तुमको पता है कॉस ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन विद समथिंग क्या होता है, साइन ऑफ समथिंग, तो 1/5 इंटू साइन ऑफ टी अपना आंसर आ गया, और टी क्या था, टी 5x था, तो ये क्या बन गया, 1/5 ऑफ साइन ऑफ 5x। तो जस्ट बता रहा हूँ अभी के लिए, बिल्कुल गाने मतलब कुछ भी करते करते सुनो इसको, कोई जरूरत नहीं है इसको अच्छे से इस लेक्चर को देखने की, इस लेक्चर को बिल्कुल भी अच्छे से मत देखो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत कम आएगा आगे, जहां आएगा मैं बता दूंगा कैसे करेंगे, वापस से रिवाइज करवा दूंगा। वैसे भी जो इंटीग्रेशन के बाद बनेगा फॉर्मूला उसको रटना ही पड़ेगा एक तरह से थोड़ा बहुत, तो इसलिए बहुत बिल्कुल भी जरूरत नहीं इंटीग्रेशन याद करने की। और जो भी आएगा बहुत सिंपल आएगा, जो फंक्शन जैसे यहाँ पे फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस, वैसे फंक्शन आएंगे बहुत सिंपल है। बट फिर भी ये डर लग रहा है तुमको कुछ फॉर्मूले से डर, तो इनमें से एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, दोनों ले लेता हूँ इनफैक्ट मैं, या फिर एक और फंक्शन अपन लेते हैं, मैं बोलता हूँ उसको बाप बेटा फंक्शन, बाप बेटा फंक्शन इन सब्स्टिट्यूशन का ये पार्ट, ये सब्स्टिट्यूशन चल रहा है पूरा पूरा सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लो ऊपर लिखा हुआ है 2x+3, तो बाप बेटा फंक्शन क्या होता है, बाप बेटा फंक्शन होता है कि बेटा अपॉन बाप का इंटीग्रेशन करना है, या फिर बेटा इंटू बाप का इंटीग्रेशन करना है ना, ऐसे कुछ भी इंटीग्रेशन करना है, बेटा अपॉन बाप, बाप अपॉन बेटा, बेटा इंटू बाप, कुछ भी इंटीग्रेशन करना है ना, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, बाप अपॉन बेटा भी कर सकते हो, बाप अपॉन बेटा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बाप क्या बोल रहा हूँ, बेटा क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कोई फंक्शन है x² + 3x + 5, तो ये बाप है,
इसका बेटा कौन है? इसका बेटा है 2x+3। बेटा मतलब इसका डिफरेंशिएशन है 2x+3, बाप और बेटा। तो अगर मान लो फंक्शन ऐसा है, तुम्हारे पास मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2x+3 / x²+3x+5। अगर मैं ये सब नहीं पढ़ाता तो इसको देख के तुम्हारी लग जाती है अच्छे से बात कि यार ये क्या दे दिया सर आपने। तो सिंपल सा फंडा होता है, ऐसे सारे फंक्शंस के अंदर बाप को टी बोल देते हैं। बाप को क्या बोल देते हैं? टी बोल देते हैं। तो जो बाप इसको क्या बोल दिया अपन ने? टी बोल दिया। और क्योंकि मैंने बोला कि टी बोलते ही अपन को क्या काम करना है, पहले अलग से dt/dx इक्वेशन अपन को लिख लेनी है। तो x²+3x+5 = t है। तो dt/dx क्या हो गया? 2x+3। तो देखो 2x+3 को अपन क्या लिख देंगे? dt/dx। तो ये क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ dt/dx इंटू dx होल अपॉन टी। dx से dx कैंसिल हो गया, मतलब क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ dt/t, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/t (dt). 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। तो ये क्या बन गया? ln ऑफ t। मतलब इस पूरे का आंसर क्या आ गया? इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ गया? ln ऑफ x²+3x+5। ये इसका आंसर है। चाहे तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लो। ln ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/something इंटू अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x+3। तो देखो आगे 2x+3/x²+3x+5। तो तुमको ये बहुत अच्छा वाव लग रहा होगा सर ने क्या पढ़ा दिया, बट 12th के बच्चों के लिए ना बहुत सिंपल चीजें होती हैं, देखते ही बता देते हैं हाँ ये तो बाप बेटा फंक्शन है। मतलब 12th में कोई पढ़ाता नहीं बाप बेटा करके, वो बाप बेटा मैंने ही निकाला है। तुम कभी यूट्यूब पे बाप बेटा फंक्शन नाम सुनोगे ना तो मेरे इस वीडियो के बाद ही सुनोगे। मेरे इस वीडियो की पब्लिशिंग डेट देख लेना, बाद में देख लेना। अभी क्या होने वाला है ना, मेरे कंसेप्ट काफी लोग चोरी करने वाले हैं कि अच्छा ये तरीका सॉलिड स्क्वायर हॉलो से कोई नहीं पढ़ा था, 2x3 / 2x5 मैंने ही बनाया हुआ है। तो कहीं भी तुम देखोगे ना तो या तो उसने खुद ने बनाया है या वो वीडियो मेरे वीडियो आने के बाद पब्लिश हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो जैसे 1/x²+a² देखें, तो 1/x²+a² बाप बेटा फंक्शन नहीं है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। क्या हो रहा है देखो कि अपन इसमें ना x को मान लेंगे a 10 थीटा। यार एक्चुअली छोड़ेंगे ये सब चीजें, क्योंकि है ना एक्चुअली क्या होगा ना कि तुमको, या फिर मैं नीचे वाली करवाता हूँ क्योंकि नीचे वाली टफ भी ज्यादा लग रही है। मैं ज्यादा फालतू में तुमको करना नहीं चाहता, थोड़ा सा डर करना चाहता हूँ मैं तुम्हारा। a²-x²dx इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये मैं बता दूँ x को मान लेते हैं a sin थीटा, ठीक है ना। ऐसा क्यों माना मैंने? ऐसा इसलिए माना कि x को a sin थीटा मानते हैं। ये देखो ये क्या बन गया? ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a²-a²sin²θ। ऊपर तो dx चल रहा है तो dx लिख देते हैं इसको। तो ये बन गया dx ऑफ, देखो a बाहर निकल जाएगा तो 1/a लिख दिया, ये बनेगा √1-sin²θ, मतलब cos थीटा बन जाएगा। तो dx अपन को एक सिंपल फॉर्म आ गया। तो कभी कभी हम सब्स्टिट्यूट इसलिए भी करते हैं कि हमको एक सिंपल फॉर्म मिल जाए, समझ रहे हो? कभी कभी हम सब्स्टिट्यूट इसलिए भी करते हैं कि हमको क्या मिल जाए? सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म मिल गई मेरे को, ठीक है। तो जैसे x = a sin θ है तो अब, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जब भी सब्स्टिट्यूट करो तब इसका डिफरेंशिएट कर लिया करो। तो dx/dθ कितना बन जाएगा? a cos θ। dx/dθ कितना? एक तो dx को क्या लिख दिया मैंने? dx को लिख दूंगा मैं dx = a cos θ dθ। dx को क्या लिख दिया? a cos θ dθ। तो dx को क्या जवाब दे दिया अपन ने? dx को बोल दिया अपन ने a cos θ dθ। तो देखो a cos θ से कैंसिल हो गया, कितना सिंपल फंक्शन बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dθ है। और इंटीग्रेशन ऑफ थीटा क्या बनेगा? थीटा बनेगा। बट थीटा क्या है? अपन ने बोला था x = a sin θ, मतलब थीटा क्या है? अपन बोलेंगे यहां से sin θ = x/a, मतलब थीटा क्या है? sin inverse of x/a। देखो यही आंसर है, आंसर थीटा आ रहा है ना अपना, थीटा रहा है मतलब sin inverse of x/a आंसर आ रहा है। तो मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं 12th में उनके लिए बहुत आसान होता है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनको याद करने की जरूरत नहीं। बस एससी वर्मा ने भी क्यों दे रखा है, फिजिक्स में थोड़ा सा काम आएगा ये, तो याद करना है तो याद कर लो, बट थोड़ा बहुत ऐसे तो याद कर ही सकते हो ना कि माइनस था, तो माइनस था तो साइन लिया होगा, सब्सटीट्यूट किया होगा। ऐसे यहाँ पे 10 क्यों आ रहा है? बिकॉज जब x लिया लूंगा मैं यहाँ पे x को a tan θ लूंगा, तो tan²θ + 1 बनेगा, वो sec²θ होता है, वापस से सारी चीज बनेगी और tan inverse x/a बन जाएगा। तो चाहे तो मैं करके बता देता हूँ तुमको, या छोड़ो कोई जरूरत नहीं करने की, बिकॉज इंटीग्रेशन में मैं ज्यादा तुमको परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी आगे अपने पास एरर्स बचा है, मेजरमेंट्स बचा है, उसके बाद अपन वेक्टर से क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। देखो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ज्यादा डिफरेंशिएशन है, ये समझ लो वापस से। और इंटीग्रेशन के भी ये फॉर्मुले बाद में आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में अभी नहीं आएंगे, पूरी 11th में ये फॉर्मुलेस काम नहीं आएंगे ज्यादा। 11th में सिंपल सा एक x का फॉर्मुला याद काम आएगा, जब तुम स्प्रिंग पढ़ोगे 11th में सिंपल सा फॉर्मुला x dx का काम आएगा इंटीग्रेशन,
और कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी को बोल सकते हो तुम, इतना काम आएगा। ये भी इंटीग्रेशन में काम नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन में काम आएगा, एसएचएम के अंदर ये काम आएगा। इसको बोल सकते हो कि डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन काम आ जाएंगे जब तुम फोर्स वगैरह इंटीग्रेट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक ग्रेविटेशन फील्ड वगैरह इंटीग्रेट करोगे, इससे ज्यादा कुछ खास काम नहीं आएगा। तो सिंपल याद रखो, इससे मैं सिंपल करना चाहता हूँ, हद मार के साइन और कॉस को भी याद रख लो, फिर ये फॉर्मूले अपन वापस से 12 जब स्टार्ट करेंगे पहले अपन देख लेंगे, और एक दो क्वेश्चन में ही है इसलिए मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ। तो अपन ये देख लेते हैं, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ये प्रॉब्लम तुमको खुद से करना चाहिए, एक बार खुद से ट्राई कर लेना। इनफैक्ट मैं एक दो प्रॉब्लम दे देता हूँ तुमको करने के लिए, कि अगर तुमको ये पूछें कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डी वी क्या होगा और बी की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर 2 तक, ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स क्या होगा, के की वैल्यू जा रही है, एक्स की वैल्यू जा रही है 2 से लेकर 4 तक, तो इन दोनों की वैल्यू बताओ मेरे को। के कांस्टेंट है, के एक नंबर है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि काम आता है। तो वीडीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि ये क्या है, एक्स डी एक्स है, एक्स डी एक्स मतलब एक्स की पावर 1+1/1+1, 0 से लेकर 2 तक जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, 2² / 2 - 0² / 2, जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व कर रहा है, ये क्या बन जाएगा, के बाहर ले लो, 2 से लेकर 4 जा रहा है, एक्स डी एक्स जा रहा है, तो ये बन जाएगा, के बन जाएगा, एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 1+1/1+1 है ना, जो अपन ने ऊपर भी करा है, और 2 से लेकर 4 तक जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 से लेकर 4, मतलब ये क्या बन जाएगा, के अपॉन 2 एक्स 4² - 2² तो इसलिए करवा दीजिए, काम आएगा थोड़ा सा इंटीग्रेशन के अंदर। एक मैं ग्रेविटेशन का भी करवा देता हूँ, जो काम आएगा ग्रेविटेशन के अंदर आएगा, फोर्स आएगा, तो फोर्स क्या बनेगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर बनेगा, इसको डी आर के साथ इंटीग्रेट करो, आर इनिशियल से लेके आर फाइनल। अब आर इनिशियल क्या है, आर इनिशियल एक वैल्यू होगी, आर फाइनल एक वैल्यू होगी, जी एम कॉन्स्टेंट है, जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर, एम मास ऑफ अर्थ मान लो, तो जी एम बाहर आ जाएगा, तो इसके लिए अपन क्या लिख देंगे, जी एम बाहर लिख देंगे, इंटीग्रेशन, अच्छा आर स्क्वायर, तो आर की पावर -2 dr बन जाएगा, और आर इनिशियल से लेके आर फाइनल बन जाएगा, इतने सिंपल सिंपल आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा पता नहीं था तुमको। तो जी एम आ गया, अच्छा आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आर की पावर -2+1/-2+1, ये कहां से कहां तक जाएगा, आर इनिशियल से लेके आर फाइनल तक जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जी एम इंटू आर की पावर -2+1 मतलब आर की पावर -1/ ये क्या बन जाएगा, -1 आर इनिशियल से आर फाइनल, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ जी एम, माइनस बाहर निकाल दिया, आर की पावर -1 मतलब होता है 1/r, तो 1/r कहां से कहां तक, आर इनिशियल से लेके आर फाइनल तक, माइनस को बाहर रहने दो, माइनस ऑफ जी एम ब्रैकेट में आ जाएगा 1/rf -1/ri, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट होता है, आर एफ मतलब एक वैल्यू होगी, आर आई भी एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक फंडा होता है इसका, सॉरी मैंने मिटा दिया, बीच पीछे वापस से पॉज करके देख सकते हो, तो मैं मिटा इसलिए रहा हूँ बिकॉज हम एरर्स एंड मेजरमेंट चालू कर रहे हैं, और मेरे को भी एक्चुअली खराब लगता है सब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, 3-4 फॉर्मूले काम आएंगे 11th के अंदर, 12th के अंदर थोड़े बहुत और काम आएंगे, तो अपन कर लेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा सा गंदा हुआ होगा बिकॉज इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुझे गंदा लगता ही है, तो बाकी अपन चालू करने वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर्स, और उसके भी करने के मैं तुमको आसान तरीके बताने वाला हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय, बाय, हैव फन।